अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको मैं व्हाट्सएप की बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अक्सर औकात इस तरह होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, किसी की कॉल अटेंड नहीं कर पाते, तो आपको बहुत से लोग कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट्सएप की सिंपल कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं जब तक आप चाहें। मैसेजेस आएंगे लेकिन आपको कॉल नहीं आएगी, ना ही कॉल का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन व्हाट्सएप आपका चढ़ रहा होगा, मैसेजेस सब आपको भेज रहे होंगे लेकिन कॉल नहीं कर सकेंगे। कैसे ये सेटिंग करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके हमें लाजमी फीडबैक दिया करें। कंजूसी ना किया करो यार, लाजमी से लाइक शेयर कर दो। एक सिंपल सी बात होती है, आपने एक टच करना होता है तो लाइक और शेयर हो जाता है, तो जल्दी से लाइक शेयर करें और कमेंट करके DONE10 लिख दें जिन लोगों ने शेयर और लाइक कर दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि आपको कोई कॉल करके बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप जो है सिंपल मैसेज ही रिसीव करे, कॉल रिसीव ना करे, तो वो कैसे होगा? तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद नोटिफिकेशन पे चले जाना है। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद कॉल्स की ऑप्शन आ रही है, आपने रिंग टोन पे क्लिक करना है। इसको रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इसकी जो रिंगटोन है वो नन कर देनी है। नन करेंगे अब आपको कोई भी कॉल आएगी, आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी लेकिन साइलेंट होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जब कभी भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट भी ना हो और मतलब कि ये हो जाए कि आपको कॉल आए ही ना, तो वो आप बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल अपने मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना है। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास ऐप मैनेजमेंट, आपके मोबाइल में ऐप्स नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है, ऐप मैनेजमेंट के नाम से भी हो सकती है। हम ऐप लिस्ट में आ जाते हैं। ऐप लिस्ट में आने के बाद अब आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे हम व्हाट्सएप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपने स्क्रॉल डाउन करके, मैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए व्हाट्सएप बिजनेस में आ रहा हूँ। अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। उस पर जाने के बाद अब आपने करना क्या, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है मैनेज नोटिफिकेशन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे, इसको आप अलाओ और नोटिफिकेशन आप इसको ऑफ करेंगे तो आपके मैसेजेस और कॉल्स दोनों ही ऑफ हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिंपल कॉल्स की बंद करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपके पास अदर नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है और यहाँ पे कॉल नोटिफिकेशन आपके पास ये ऑप्शन शो हो रही है, आपने इसको ऑफ कर देना है। जैसे कॉल आएगी आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपने सेटिंग लाजमी कर लेनी है। करने के बाद अब आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, परमिशन में आ जाना है। परमिशन पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे एक परमिशन दे देनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल रही है फ़ोन की बटन पे क्लिक करें, आपके पास आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे अब आप ये मोबाइल में जो कॉल आएगी वो बिल्कुल नहीं आएगी, सिंपल मैसेजेस ही आपको रिसीव होंगे, कॉल रिसीव नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।